हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं आज सुबह सुबह उठ गई। सबसे पहले उठ के मैं घर का लाइट वाइट जला लूँगी, थोड़ा सा बाहर देख लूँगी क्योंकि बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रहे है कल रात से। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बैठ के खुद के बच्चा के लिए नाश्ता बनाना है और खुद के लिए भी। बोरिंग तो लगे, इतना बारिश में उठने का मन भी नहीं हुआ है, पर भी क्या करेगा, बच्चा को स्कूल भेजना है। इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा फ्रेशन अप होके किचन आ गई। किचन आके सबसे पहले मैं ये आकर रैक वेक को साफ कर लेंगी। इसके बाद खुद के लिए सबसे पहले गर्म पानी बनाऊंगी, उसके बाद पीऊँगी, उसके बाद से मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby,
तो यहाँ पर हम दोनों पूरा तैयार हो चुका है, इसे अभी रेडी वेडी करके मैं इसे डायरेक्ट इसका कपड़ा पहना के ब्रेकफास्ट भी खिला दूँगी। उसके बाद उसका पापा तो आज नहीं है, वो ईटानगर गए अपने काम से, तो मैं इसे जल्दी से पहुँचा दूँगी। इसे जल्दी जल्दी खिला के देखो, इसको उठाते ही पूरा मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी कराए थे, इसका मूड ही नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था ये लड़का। तो गाइस मैंने बच्चा को भी स्कूल पहुंचा दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बारिश की मज़े ले रही हूँ। देखो मैं सुबह इतना बिजी हो गई थी कि मेरा ये गर्म पानी भी मैंने ही पी पाए, अभी मैं से पीऊँगी। आई थिंक ये ठंडा भी हो चुका है, ये ठंडा भी हो चुका है लेकिन हल्का हल्का सा गर्म है। एक्चुअली देखिए ना, उसका पापा नहीं है उसे घर में, मतलब उसका पापा ने उसे इतना प्रॉब्लम होता है हम दोनों को स्कूल पहुंचाने में जब बारिश होता है। धूप देने से तो कोई बात नहीं, मैं उसे स्कूटी से छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बारिश देने से ना किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है। आज भी ऐसा लेट हो गया, हम दोनों का गेट भी बंद हो चुका था और उधर स्कूल के अंदर पहुँचा तो उसका प्रेयर भी हो रहा है, उसका स्कूल का प्रेयर भी शुरू हो गया था। तो वही उसका पापा को हम कल ही बोल के रखा था पासीघाट में, तो वो तो ईटानगर गया अपना काम से, कल परसों निकल गया उसका, तो कुछ ना कुछ तो काम होते रहते, तो उसको कल ही हम फ़ोन करके बताया था। वहाँ में तो बारिश नहीं हो रहा है बोला, यहाँ पे बारिश हो रहा है, लड़का लोग को उसका वहाँ में जो काम करते हो लड़का लोग को बता दो सुबह आ जाओ स्कूल छोड़ दो, वो तो हाँ बोला था। तो आज सुबह रुक रहे 8 हो गया, 8:05 हो गया, हम लोग तो 8 ऐसा को देर से देर से 8:05 को यहाँ से निकलते ऐसे रुक रहे, आया ने उसको कॉल किए तो वो भी सो रहे, कॉल किए को पता है वो भूल गया पूरा, वो भूल गया सॉरी बोले भूलिया मतलब ऐसे ऐसे हो गए, तो पूरा लेट हो गए। तो आसपास से एक जल्दी से उसका दोस्त एक को फोन करके अरेंज कर दे, वो भी आने में 8:20 हो गया आते आते, तो हम दोनों उधर 8:15 फार हो गए, वो उसका दोस्त भी आते आते, तो 8:20 उसका गेट क्लोज हो जाता है, तो हम लोग उधर पहुँचते पहुँचते गेट क्लोज ही हो गए थे, 8:30 हो गया और प्रेयर भी स्टार्ट हो गया था। वही है कि उसका पापा नहीं होते, जब भी बारिश होते किसी ना किसी को हम दोनों रोज़ बुलाना पड़ता है। Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Thank you.
तो घर का सब काम निकता के मैं यहाँ पर लंच भी मैंने बना लिया, उसके बाद मैं सीधे कमरे पे आ गई, थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके साथ ही मैं शाम को जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसे भी एडिट कर रही हूँ, उसके बाद एक घंटे बाद याया को लेने जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को एक और